Hello and welcome to the News Radar. We are with Rajinder Rana, who was in limelight for defeating previous Himachal CM. Now again he is in limelight for his tussle with sitting CM. Sir, ये कुंडली में चक्कर क्या है आपका? मुख्यमंत्री के साथ ही जाके भिड़ते हो? देखिए, मेरी भिड़ंत जो हुई है वो तो सिर्फ सुखविंदर सिंह सुक्खू से, नहीं पहले भी धूमल साहब से हुई है। चुनाव था, चुनाव के अलावा देखिए मैंने आज तक धूमल साहब के प्रति कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। कभी जब भी मिलते हैं मैंने उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद देता हूँ। हाँ, ये ठीक है कि वो हमीरपुर से MLA थे तो उस टाइम पर से चुनाव हो रहा है, उनकी पार्टी का इशू हुआ होगा, परंतु मैंने कभी भी और उन्होंने भी कभी भी मेरे खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दी कोई ऐसा नहीं। तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो प्रश्न है, ये 14 महीने में इन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से विधायकों के साथ व्यवहार किया और प्रताड़ित किया, जलील किया, काम नहीं किए, हमारी टसल कोई मेरी कोई दुश्मनी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से नहीं है, मेरी तो विचारों का मतभेद। आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि जब आप किसी बड़े लीडर के अगेंस्ट लड़ते हो तब भी आप लड़े, धूमल साहब के अगेंस्ट आप जीत गए, अब आपने BJP ज्वाइन की कांग्रेस से आके, तो मैं देख रहा हूँ लोगों का हजूम काफ़ी है, कॉन्स्टिट्यूंसी में सिस्टम ऐसे कैसे सेट किया हुआ है? ये कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई पार्टी लाइन पर मैंने कभी काम नहीं किया। मैं तो इस कंस्टिट्यूसी में मुझे मैक्सिमम लोग BJP के जिताते थे, कांग्रेस के साथ साथ BJP के लोग बहुत जिताते थे मुझे, क्योंकि मेरा पर्सनल रिश्ता है लोगों के साथ, पारिवारिक रिश्ता की तरह हो गया है। अभी आपने कांग्रेस से जब BJP ज्वाइन की तो कितने आपके साथ पदाधिकारी जो हैं वो ज्वाइन? मोर देन 70% 70% से ज़्यादा जो है वो कार्यकर्ता कांग्रेस के मेरे साथ, आज भी मैक्सिमम लोग तो यहीं आ गए। राजनीतिक सूझबूझ क्या बोलती है सर? लोगों का ना जो एक हल्ला चला हुआ वो ये चला हुआ है कि क्या BJP जो है वो आपके यहाँ सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी? निश्चित तौर पर यहाँ पर तो BJP पूरी तरह आज मुझे लग रहा है 99% कार्यकर्ता BJP के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे और मंडल जो है BJP का वो पूरी तरह से उन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया और जैसे ही इनको कार्यक्रम दिया गया तो इन्होंने डे एंड नाइट काम किया और मेरे पास उसकी जानकारी मुझे पल पल की मिलती रही। तो यहाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन्ड फोर्स है, जैसे आर्मी में डिसिप्लिन होता है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में डिसिप्लिन है और कांग्रेस पार्टी में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो आदेश पार्टी का आता है, जो पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन में एक संदेश होता है, उसको सब लोग फॉलो करते हैं। तो अभी सर, आप पहले भी आपकी BJP थी, अभी घर वापसी होगी एक तरह से, तो थोड़ा ये फीलिंग कम्फर्टेबल? बहुत कम्फर्टेबल, कारण ये है कि आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है और हिमाचल प्रदेश में सरकार जो बनी है, मुझे लग रहा है कि झूठ का सहारा लेके सरकार बनी थी। हम भी उसमें पार्टी में थे परंतु हम लोग उस समय भी बोलते रहे कि जिस तरीके की गारंटियां आप लोगों को दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, ये आप पूरी नहीं कर पाएंगे, ये लोगों के साथ धोखा हुआ। और 14 महीने हमने देखा कि ये सरकार अंदर अंदर जो बातें होती थी हमें सब पता है कि वोट लेने के लिए इन्होंने किया, अभी भी जो 1500 रुपये देने की इन्होंने घोषणा की है ये सिर्फ झूठ का पुलंदा है। मैं आज ये कह रहा हूँ कि एक भी जगह हिमाचल प्रदेश में 1500, लाहौल स्पीति में 1200 महिलाएं हैं, उनकी मैं बोलता नहीं हूँ, बाकी की बात जो है हिमाचल प्रदेश में कोई 1500 रुपया नहीं दिया जाएगा। कारण ये कि इनके पास तो लोगों की सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, इनका तो पूरी तरह दिवालिया निकला पड़ा है, तो इसलिए कहाँ से पैसे देंगे। एक आखिरी सवाल सर, फिर क्लोज करेंगे, कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो डाउनफॉल हम देख रहे हैं गवर्नमेंट का जो अभी दिखने में आ रहा है, उसके बीज जो पड़े वो कहाँ से पड़े, गलती कहाँ? गलती तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री होते हुए भी अपने जिले के 5 में से 3 विधायक चले गए और उनकी पार्लियामेंट से 9 में से 6 विधायक चले गए, तो मुझे लग रहा है नलायकी किसकी है। और ये इन्होंने जो तानाशाह रवैया रखा था, लोग MLAs को जलील करना, MLA के काम नहीं करना, उनको सम्मान नहीं देना, और ये मित्रों की सरकार बन के रह गई थी। तो मित्र जो हैं वो जहाँ कैबिनेट मिनिस्टर सेक्रेटरी में बैठते थे वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर की तरह ये बैठा दिए और उनके ऑफिस उनको दे दिए। तो ये ऐसा नहीं है, इलेक्टेड लोग सरकार चलाते हैं और इलेक्टेड लोगों को तो जिस तरीके से अपमानित किया गया है, और मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, हर कुछ बोलते हैं, मतलब झूठ पे झूठ बोलते हैं। हमारे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए, हमने कहा है कि हम तो माना नहीं, मुकदमा ठोक रहे हैं, केस तैयार हो रहा है और इनको जो है कोर्ट में घसीटेंगे। धूमल साहब से मिला है, आपकी जाना है? मैंने धूमल साहब से जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग करी है 23 को, मेरी 22 तारीख को उनसे बात हुई थी कि उन्होंने पूछा कि क्या चल रहा है, मैंने कहा कि घर वापसी की तैयारी है, तो उन्होंने कहा स्वागत है, कल का समय हमारा निश्चित हुआ है क्योंकि अभी तो पहुंचे ही हम, तो कल 11:30 बजे हम लोग उनको मिलने के लिए जाएंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। थैंक यू। मेक श्योर टू प्रेस लाइक एंड ड्रॉप अ कमेंट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द न्यूज़ रडार।